फ्रेंड्स, कुक विद रजनी में आपका स्वागत है। आज मैं आपके साथ बहुत ही टेस्टी और हेल्दी वेज बेसन चीला की रेसिपी शेयर करूंगी। इसे हम कभी भी बिना झंझट के बना के तैयार कर सकते हैं। इसे बच्चों के टिफ़िन में भी दिया जा सकता है। आइए तो स्टार्ट करते हैं वेज बेसन चीला बनाना। रेसिपी शुरू करने से पहले अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक के नीचे क्लिक करें, शेयर और कमेंट करें, और मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। बेल आइकन को प्रेस करें और न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले पाएं। आइए तो स्टार्ट करते हैं वेज बेसन चीला बनाना। सबसे पहले हम एक बाउल लेंगे और उसमें एक कप बेसन डाल देंगे। बारीक कटा हुआ प्याज, ग्रेट किया हुआ अदरक, बारीक कटा हुआ हरा धनिया, बारीक कटा हुआ टमाटर, बारीक कटी हुई हरी मिर्च, बारीक कटा हुआ शिमला मिर्च और ग्रेट किया हुआ गाजर। सब्जियां आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कोई भी ले सकती हैं जिनको आप पसंद करते हैं, और जो आपको पसंद नहीं है उन्हें आप स्किप कर सकती हैं। सभी सब्जियों को धीरे धीरे आपस में मिक्स कर लेंगे, क्योंकि सब्जियों में मॉइस्चर बहुत ज़्यादा होता है, तो उसके बाद ही हम इसमें पानी डालेंगे। पहले सब्जियों को बेसन के साथ अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। थोड़ा थोड़ा पानी डाल के हम इसे बैटर बना लेंगे, बहुत ज़्यादा ना गाढ़ा ना बहुत ही ज़्यादा पतला। ये देखिए हमारा बैटर बन गया है, ना बहुत ही ज़्यादा गाढ़ा और ना ही बहुत ज़्यादा पतला। इसी कंसिस्टेंसी का हमें अपना बैटर रखना है। अब मैं इसमें मसाले ऐड करूँगी। आधा छोटी चम्मच चाट मसाला, 1/4 teaspoon हल्दी, 1/2 teaspoon नमक। नमक आप अपने स्वाद अनुसार डालें। अगर आप बच्चों के लिए बना रहे हैं तो आप मिर्च अपने अकॉर्डिंग डालें। मैं भी बच्चों के लिए बना रही हूँ तो मैंने हरी मिर्च का ही यूज़ किया है, लाल मिर्च नहीं डाली है। आप चाहें तो डाल सकते हैं। ये हमारा बैटर बिल्कुल तैयार हो गया है चीला बनाने के लिए। अब हम चीला बनाने के लिए चलते हैं। यहाँ पे हमने एक तवा ले लिया है, नॉनस्टिक का तवा लिया है, आप पैन भी ले सकते हैं। और उस पर डालेंगे 1 चम्मच ऑयल। गैस का फ्लेम मैंने स्लो करके रखा हुआ है और उसे अच्छी तरह से टिश्यू की हेल्प से पूरे तवे पे स्प्रेड कर देंगे। गैस हमारा बिल्कुल स्लो होना चाहिए, नहीं तो हमारे चीले चिपक जाएंगे। और इस पे डालेंगे हम अपना चीले का बैटर। जितना बड़ा आपको बनाना है चीला, उस हिसाब से आप छोटा या बड़ा बना सकते हैं। ऐसे फैला देंगे और अब गैस का फ्लेम मीडियम कर देंगे और इसको 2 से 3 मिनट तक सिकने देंगे नीचे से अच्छी तरीके से। देखिए हमारे चीले का ऊपर से कलर चेंज होने लगा है। अब हम धीरे धीरे इसके एजेस को इस तरीके से सेपरेट करेंगे और सावधानी के साथ इसको पलट देंगे। ये देखिए कितना अच्छा गोल्डन कलर आया है हमारे बेसन के चीले का। फ्रेंड्स, ये बहुत ही हेल्दी और क्विक बनने वाली रेसिपी है। बच्चे तो इसे बहुत ही पसंद करते हैं और हेल्दी भी बहुत ज़्यादा है, क्योंकि इसमें सब्जियों का हमने भरपूर यूज़ किया है। अब इसको नीचे से भी हम 2 से 3 मिनट तक ऐसे ही सिकने देंगे। 2 मिनट हो गए, अब हम अपना चीला चेक कर लेते हैं। ये देखिए नीचे से भी हमारा अच्छी तरह से गोल्डन ब्राउन हो गया है हमारा चीला। अगर आपका चीला ना होए तो उसे उलट पुलट करके आप अच्छी तरह से सेक लें। अब मैं इस चीले को निकाल लूँगी। देखिए फ्रेंड्स, एक बार फिर दिखाऊँगी आपको कितना अच्छा हमारा चीला बनके तैयार हुआ है। ऐसे ही हम अपना दूसरा चीला भी बना लेंगे। फ्रेंड्स, चीला डालते हुए आपको ये ध्यान रखना है कि जो तवा है वो हमें ठंडा करके जब दूसरा चीला डालना है, नहीं तो हमारा जो चीला है वो चिपक जाएगा तवे पे ही। तो इसलिए सावधानी के साथ और तवे को ठंडा करके ही दूसरा चीला डालेंगे। हमने अपना दूसरा चीला भी डाल दिया है। इसको भी ऐसे ही 2 से 3 मिनट तक मीडियम फ्लेम पर पकने देंगे नीचे से। चीले का कलर चेंज हो गया है ऊपर से, कॉर्नर भी हमारे सेपरेट हो गए हैं। अब हम इसे पलट देते हैं। देखिए कितना अच्छा गोल्डन ब्राउन कलर आया है हमारे चीले पे। 2 से 3 मिनट तक इसे नीचे से ऐसे ही सेक लेंगे। पलट
के देख लेते हैं अपने चीले को। ये देखिए फ्रेंड्स कितना अच्छा कलर आया है, हमारा चीला बनके तैयार है। अब हम इसे प्लेट पे निकाल लेते हैं, ऐसे ही अपने और चीले बना के तैयार कर लेंगे हम। ये देखिए हमारा वेज बेसन चीला बनके तैयार है। बहुत ही सुंदर हमारा चीला देखने में लग रहा है और खाने में भी ये उतना ही टेस्टी है। आप इसे ग्रीन चटनी या फिर सॉस के साथ सर्व कर सकते हैं। बहुत ही इजी और क्विक ब्रेकफास्ट रेसिपी है ये फ्रेंड्स, आप ज़रूर ट्राई करें इसे। मिलते हैं नई रेसिपी के साथ।